हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस। सब आज हम स्टडी करेंगे कि कैल्शियम का क्या रोल है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी आपके बहुत सारे आपका एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स का हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम का। हम जो कैल्शियम का जो है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बहुत वाइड रोल है, इसमें से जो है कुछ मेन फंक्शंस, कुछ मेन जो है हम आज स्टडी करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आपका इसकी जो है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। द एक्स्ट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीमोलर पर डेसी लीटर एंड इंट्रा मोलिकुलर कंसेंट्रेशन इज वेरी लो। जो कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब उस फ्लूड में तो आपकी ज़्यादा होती है और इंट्रा सेलुलर के अंदर कम होती है। ये हम डिफरेंस देख पा रहे हैं, यहाँ तो 5 मिलीमोलर है और यहाँ पे क्या है 0.05 से लेके 10 μmol पर डीएल तक है। अब चूंकि कैल्शियम की कंसेंट्रेशन अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इनसाइड सेल इज़ मेंटेन्ड बाय 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जो लो लेवल है कंसेंट्रेशन की सेल के अंदर, वो 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मेंटेन होती है। एक तो Ca2+ATPase और एक सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इन 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से आपकी कैल्शियम आयन की लो कंसेंट्रेशन सेल के अंदर मेंटेन रहती है। अब ये कैल्शियम एटीपेज क्या है? द कैल्शियम एटीपेज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन फाउंड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल मेम्ब्रेन। ये जो हमारा कैल्शियम एटीपेज है, ये हमारा क्या कहाँ पे प्रेजेंट, ये हमारा है क्या, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मेम्ब्रेन आपका एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कहाँ पे पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका पाया जाता है, मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है आपकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है, और ये क्या है आपका कैल्शियम एटीपेज है। तो कैल्शियम एटीपेज पंप कैल्शियम आयन फ्रॉम सिस्टोल टू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिस्टोल से क्या क्या फंक्शन है इसका, कैल्शियम एटीपेज का, ये कैल्शियम आयन को पंप करता है कहाँ पे, सिस्टोल से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। इस आपका इस ट्रांस इस जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से जो है कैल्शियम आपका ट्रांसपोर्ट होता है सिस्टोल से ल्यूमेन में। दिस पंप मेंटेन्स अ कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.1 μm इन द सिस्टोल कंपेयर टू 1.5 मिलीमोलर इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगेन आपकी जो है सिस्टोल के अंदर क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन कम है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो एटीपेज है, जो हमारा ये कैल्शियम एटीपेज है, ये कैल्शियम जो है आपका बाहर पंप करता रहता है। तो इस जो है पंप की वजह से क्या है, अंदर की जो कंसेंट्रेशन वो कम है और बाहर वाली जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। अब जो इस दूसरे का जो दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये इसका क्या रोल है? मेंटेन्स लो लेवल ऑफ फ्री इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन इन रेस्टिंग मायोसाइट्स बाय एक्सचेंज 1 कैल्शियम आयन फॉर 3। 3 सोडियम आयन के एक्सचेंज में ये 1 कैल्शियम आयन को एक्सचेंज करता है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन लो मेंटेन रहती है। इसी की वजह से आपका ये एक्सचेंजर क्या है कि आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, आपका 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो आपका क्या है 1 कैल्शियम तब आपका अंदर आएगा। तो हर 3 के पे आपका 1 का ट्रांसपोर्ट होता है आपका। द डाउन हिल मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन इन टू द सेल फ्रॉम ब्लड ड्राइव द अप हिल मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन आउट ऑफ द सेल। जो आपके सोडियम आयन है वे तो क्या है अंदर की तरफ आ रहे हैं और कैल्शियम आयन क्या है बाहर आ रहे हैं। तो जो सोडियम आयन का तो क्या है डाउनहिल मूवमेंट है और कैल्शियम आयन का क्या है अपहिल मूवमेंट है, मतलब ये बाहर जा रहे हैं और 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं आपके। और जो है 3 जो है सोडियम आयन जो है हमारे कहाँ ब्लड में आ रहे हैं, सॉरी सेल में आ रहे हैं ब्लड से, और कैल्शियम आयन क्या है हमारे सेल के बाहर जा रहे हैं। बिकॉज इंट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो, द एंट्री ऑफ माइन्यूट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन इन टू द सिस्टोल कॉजेज मार्क्ड चेंजेस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। अब चूंकि हमारी जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन है, ये हमने अभी पढ़ा कि एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा होती है और अंदर कम होती है, इंट्रासेलुलर में कम है इसकी। तो अब चूंकि माइन्यूट अब इतनी कम कंसेंट्रेशन है, तो माइन्यूट भी कोई कंसेंट्रेशन में चेंज आता है तो उसकी वजह से भी आपका जो है मेजर चेंजेस हो जाते हैं। ये कुछ माइन्यूट भी कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन में कुछ माइन्यूट भी चेंज आता है। दिस चेंज इन कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन सर्व्स एज ए वेरी इफेक्टिव इंट्रा सेलुलर सिग्नल फॉर अ नंबर ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलीज ऑफ हार्मोन एंड न्यूरो ट्रांसमीटर एंड रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अब ये जो हमारा
माइन्यूट कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आया, चेंज चेंज आता है जो हमारा ये माइन्यूट कंसंट्रेशन में भी, ये माइन्यूट से भी हमारे क्या है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होते हैं, क्यों, चूंकि कंसंट्रेशन उसकी बहुत कम है। तो ये हमारा जो है बहुत जो लो कंसंट्रेशन है ये बहुत इफेक्टिव है किसके लिए, इंट्रासेलुलर सिग्नल्स, बहुत सारे इंट्रासेलुलर सिग्नल्स जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, हॉर्मोन्स का रिलीज होना है और न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रिलीज होना है, एंजाइम एक्टिविटी का रेगुलेशन है, ये सब जो है किस वजह से हुए हैं आपके, जो इस मार्क्ड चेंज की वजह से, जो कैल्शियम आयन का मार्क्ड जो है स्लाइड चेंज आ रहा है, क्यों 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 इतना इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है उसमें, थोड़ा भी हम माइन्यूट चेंज करेंगे आपके तो उसकी वजह से जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। कैल्शियम एज ए मॉड्यूलेटर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी में ये किस तरह से मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, कैल्शियम आयन एक्ट एज आइदर मॉड्यूलेटर और को फैक्टर ऑफ मेनी एंजाइम्स लाइक प्रोटीन काइनेज, एडिनाइलेट साइक्लेज, लाइपेज। ये जो कैल्शियम आयन है ये हमारा क्या है मॉड्यूलेटर की तरह भी काम करता है और आपका को फैक्टर की तरह भी काम करता है बहुत सारे एंजाइम्स के केस में, जैसे प्रोटीन काइनेज है, एडिनाइलेट साइक्लेज है, लाइपेज है। जनरली कैल्शियम आयन फर्स्ट बाइंड विद द कालमोडिन, कालमोडिन क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, तो पहले क्या है आपका कैल्शियम जो है कालमोडिन के साथ आपका कंबाइन होके एक कैल्शियम कालमोडिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये जो हमारा कैल्शियम कालमोडिन कॉम्प्लेक्स है ये क्या है मॉड्यूलेटिंग एक्शन डालता है एंजाइम्स पे, कैसे, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कर देता है। जैसे अब कैल्शियम की बाइंडिंग हुई इस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कालमोडिन के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा कैल्शियम कालमोडिन कॉम्प्लेक्स, इसने क्या किया इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव प्रोटीन काइनेज में कर दिया, और ये प्रोटीन काइनेज फर्दर दूसरे इनएक्टिव एंजाइम को आपका जो है एक्टिव करेगा। तो ये हमारा क्या है मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है और कोफैक्टर की तरह भी काम करता है, इसने जो है एंजाइम्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट किया। कालमोडीन एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, कालमोडीन जो है एक 17 किलो डाल्टन का प्रोटीन है जिसके पास चार कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, और ये कैल्शियम सेंसर की तरह हमारा काम करता है कि मतलब सेंसर वो इजीली जो डिटेक्ट कर लेता है उसकी उसकी प्रेजेंस को। कालमोडिन इज एक्टिवेटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम एन, ये हमारा कालमोडिन जो है ये एक्टिव ही तब होता है जब हमारा इसके साथ कैल्शियम बाइंड हो जाता है, बाइंड होकर ये क्या बनाता है कैल्शियम कालमोडिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। व्हेन कैल्शियम लेवल राइजेज एब्रप्टली इन द सिस्टॉल, जब सिस्टॉल के अंदर कैल्शियम की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कैल्शियम बाइंडिंग लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस विच एनेबल द प्रोटीन कालमोडिन टू इंट्रैक्ट विद अदर प्रोटीन। जब कैल्शियम का लेवल हमारा एकदम से हाई हो जाता है सिस्टॉल के अंदर, तो कैल्शियम की जो बाइंडिंग है जो किसके साथ बाइंडिंग हो रही, कालमोडिन, कालमोडिन क्या है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, कैल्शियम बाइंडिंग लीड्स टू द कन्फर्मेशनल चेंजेस, कैल्शियम के बाइंडिंग की वजह से क्या होगा कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे विच एनेबल्स द प्रोटीन कालमोडिन टू इंट्रैक्ट विद अदर प्रोटीन। किसकी वजह, इसकी वजह से, किसकी वजह से, जो उसकी कन्फर्मेशन में चेंज आए, वो चेंज किसकी वजह से आए कैल्शियम की बाइंडिंग की हुई कालमोडिन के पास के साथ, उसकी कैल्शियम की बाइंडिंग होने से तो उसके अंदर जो है उसके कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं उस प्रोटीन के अंदर, और इसकी वजह से वो दूसरे प्रोटीन के साथ इंट्रैक्ट करता है। कालमोडिन कैल्शियम कालमोडिन कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स को ये स्टिमुलेट करता है आपका, ये प्रोटीन काइनेज को प्रोटीन इनएक्टिव से एक्टिव करेगा ये, और ये फर्दर प्रोटीन काइनेज जो है और एंजाइम्स को एक्टिव करेगा। द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन कालमोडिन टू द कालमोडिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, कालमोडिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज इसलिए हमने कहा चूंकि जो है कालमोडिन की प्रेजेंस में ही ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आया, तो ये हमारा क्या है बहुत सारे एंजाइम्स को भी फर्दर एक्टिवेट करता है, क्या, प्रोटीन काइनेज। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, इसका ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज का भी जो है एक्टिवेशन हमारा इसी तरह से होता है, कैसे होता है, द इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जो हमारी कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन मसल सेल के अंदर बढ़ जाती है उसी की वजह से हमारा क्या है ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, अभी करता कौन सा एंजाइम है ग्लाइकोजन फोस्फोरालाइज है, क्या कैटालाइज करता है ये, इसकी वजह से फोस्फोराइटिक क्लीवेज होती है अल्फा 1,4 लिंकेज की ग्लाइकोजन के अंदर। द एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोजन फोस्फोरालाइज इज रेगुलेटेड बाय मसल फोस्फोराइल काइनेज विच इज अ टेट्रामर ऑफ 4 डिफरेंट सब यूनिट अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जो एक्टिविटी है ग्लाइकोजन फोस्फोरालाइज ये क्या, अभी मैंने देखा क्या करता है ग्लाइकोजन फोस्फोरालाइज, ये आपका क्या है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो आपका क्या है जो ये जो एंजाइम है जो ये हमारा सॉरी जो ये जो एंजाइम हमारा ग्लाइकोजन फोस्फोरालाइज ये क्या करता है मसल फोस्फोराइल काइनेज को रेगुलेट करता है, और जो क्या है हमारा फोस्फोराइलेज काइनेज जो क्या है एक टेट्रामर है, ये हमारा फोस्फोराइलेज काइनेज है टेट्रामर है जिसके पास आपकी चार सब यूनिट हैं अल्फा बीटा डेल्टा गामा।
फोस्फोराइलेस काइनेज इज एक्टिवेटेड बाय हार्मोन दैट लीड्स टू फोस्फोराइलेशन ऑफ बीटा यूनिट्स एंड बाय कैल्शियम बाइंडिंग टू डेल्टा यूनिट। अब जो ये हमारा फोस्फोराइलेस काइनेज है, ये हमारा कैसे एक्टिव होता है, मतलब दो तरह से एक्टिव होता है। एक तो इसे हार्मोन एक्टिव करता है, जिसकी वजह से क्या है, फोस्फोराइलेशन होता है बीटा सब यूनिट का, और साथ के साथ क्या है, कैल्शियम की बाइंडिंग होती है डेल्टा सब यूनिट पे। तो दो फैक्टर्स की वजह से ये हमारा एक्टिव होता है फोस्फोराइलेस काइनेज। एक तो इसकी बीटा यूनिट पे क्या हो जाता है, बीटा यूनिट का फोस्फोराइलेशन हो जाता है, और कैल्शियम की बाइंडिंग हो जाती है किस पे, डेल्टा सब यूनिट पे। इन दो चीज़ की वजह से क्या है, ये फोस्फोराइलेस काइनेज एक्टिव होता है। अब हार्मोन की वजह से कैसे एक्टिव होता है हम ये देखते हैं। द बाइंडिंग ऑफ इपिनेफ्रिन हार्मोन, ये इपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन रिसेप्टर पे आपका बाइंड हो जाता है, लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट एंजाइम विच कैटालाइजेस कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू सीएमपी। ये जो एंजाइम है एडिनाइलेट, एडिनाइलेट जो हमारा एंजाइम है, ये किसकी वजह से एक्टिव हुआ, इपिनेफ्रिन हार्मोन की वजह से। इस इपिनेफ्रिन हार्मोन की वजह से जो हमारा ये एक्टिव हुआ एडिनाइलेट एंजाइम, इसने एडिनाइलेट साइक्लेज ने एक्टिव होके क्या किया, एटीपी को कन्वर्ट किया किसमें, सीएएमपी में। अब इसका लेवल बढ़ गया सीएएमपी। अब इस एलिवेटेड लेवल की वजह से, सीएएमपी का लेवल बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज ए जो है आपका इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। द एलिवेटेड लेवल ऑफ सीएएमपी एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है विच फोस्फोराइलेट बीटा सब यूनिट। अभी हमने पढ़ा था कि जो काइनेज है ये हमारा क्या है, दो वजह से एक्टिव होता है, एक तो हार्मोन की वजह से, और एक क्या है, उसके डेल्टा यूनिट पे कैल्शियम बाइंड हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, अब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो गया, तो आपका ये क्या करेगा, जो है प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, फोस्फोराइलेज काइनेज ए को एक्टिव करेगा। फोस्फोराइलेज काइनेज जो है एक्टिव से, अब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ गया। द एलिवेटेड लेवल ऑफ सीएएमपी एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज ए विच फोस्फोराइलेट, जो क्या काम करता है ये प्रोटीन काइनेज ए क्या काम करता है, जो है फोस्फोराइलेज काइनेज की बीटा जो सब यूनिट है उसका, उसपे उसे फोस्फोराइलेट करता है। तो अभी हमने देखा था कि दो वजह से ये हमारा जो फोस्फोराइलेज काइनेज जो है हमारा, जो ये दो वजह से फोस्फो जो सॉरी ये प्रोटीन काइनेज जो है हमारा, फोस्फोराइल काइनेज जो है, दो वजह से हमारा एक्टिव हुआ था। किसकी वजह से, एक तो हार्मोन की वजह से, हार्मोन कहाँ आपका हो रहा है, बीटा सब यूनिट पे, जो क्या है बीटा सब यूनिट पे फोस्फोराइलेशन हो रहा है, साथ के साथ डेल्टा पे कैल्शियम की बाइंडिंग हो रही है। अब बीटा का फोस्फोराइलेशन कैसे हुआ, ये हमने अभी देखा कि इपिनेफ्रिन हार्मोन जो है एडिनाइलेट साइक्लेज को के ऊपर जो है आपका, इसने इसे एक्टिव किया, इसके एक्टिव होने से एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट हो गया। अब सीएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ने से प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव से एक्टिव हो गया, इसकी वजह से फोस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव से एक्टिव हो गया, इसका ये एक्टिव होने की वजह से। तो पूरा जो है एक दूसरे से रिलेटेड पाथवे है। फोस्फोराइलेज काइनेज अटेन्स मैक्सिमम एक्टिविटी ओनली आफ्टर बोथ टाइप ऑफ स्टिमुलेशन। अब फोस्फोराइलेज काइनेज की मैक्सिमम एक्टिविटी कब होती है, जब उसके दोनों तरह के स्टिमुलेशन हो जाते हैं। दोनों तरह के स्टिमुलेशन कौन से, एक तो हार्मोन की वजह से, क्योंकि तो हार्मोन जो है उसका फोस्फोराइलेशन करता है बीटा यूनिट का, और दूसरा क्या है कि कैल्शियम की बाइंडिंग होती है डेल्टा सब यूनिट पे। तो इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है फोस्फोराइलेस काइनेज की। तो यहाँ भी क्या हमने देखा कि कैल्शियम आयन का हमारा क्या है, प्रोमिनेंट रोल है। अब हम देखेंगे कैल्शियम का हार्मोन एक्शन में क्या रोल है। कैल्शियम आयन इज एन इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर ऑफ मेनी यूकैरियोटिक सिग्नल्स ट्रांसडक्शन पाथवेज। जो कैल्शियम आयन जो हमारा जो है ये इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर है बहुत सारे यूकैरियोटिक सिग्नल्स का, सिग्नल पाथवे का, जिसमें से एक है हमारा फोस्फेटी डाइनोसिटोल कैस्केड। इसका ये एक पाथवे है, इसका ये आपका सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। द बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन सच एज वैसोप्रेसिन टू अ हार्मोन रिसेप्टर लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी। जो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन है ये हमारा क्या करता है, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट पे हमारा क्या है, ओ सॉरी हार्मोनल रिसेप्टर साइट पे क्या है आपका, ये बाइंड हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, फोस्फोलाइपेज सी एक्टिव हो जाएगा। अब ये फोस्फोलाइपेज सी एक्टिव होने से क्या हो जाएगा, PIP2 IP3 में और DAG में कन्वर्ट हो जाएगा। द एक्टिवेटेड फोस्फोराइलेज सी, इसका एक्टिवेशन हुआ फोस्फोराइलेज सी का, इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा किसका, PIP2 का IP3 में और DAG में। DAG ये इनकी फुल फॉर्म, ये गिवन है इनकी फुल फॉर्म क्या है। अब ये जो IP3 क्या है, IP3 कॉजेज अ रैपिड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोरेज साइट। ये क्या करता है, रैपिड रिलीज करता है जो है कैल्शियम आयन का
आपका इंट्रासेलुलर स्टोरेज साइट। इंट्रासेलुलर स्टोरेज साइट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां से ये IP3 क्या करता है? रिपिड रिलीज करता है कैल्शियम आयन का। अब कैल्शियम पे फर्दर क्या है आपका? कैल्शियम कालमोडिन के साथ बाइंड करके कैल्शियम बाइंडिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कैल्शियम कालमोडिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और ये हमारा क्या है जो है उसे काइनेज को आपका जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया उसकी वजह से क्या है फॉस्फेट काइनेज जो है इनएक्टिव से हमारा एक्टिव काइनेज में आ गया था। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन सिस्टोल एंड साइटोसोल एक्टिवेट्स कैल्शियम कालमोडिन डिपेंडेंट काइनेज। जो कैल्शियम कालमोडिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं उनका जो है एक्टिवेशन इसकी इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से ही होता है। अब हम देखते हैं कैल्शियम आयन का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में क्या रोल है। ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर थ्रू अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर। जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं हमारे न्यूरोन्स में, एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में, वो केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होते हैं। उस केमिकल सब्सटेंस को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। और ये कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट, गामा अमीनोबिटायरिक एसिड जिसे गाबा कहते हैं। तो ये जब नर्व इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज होते हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर स्टोर्ड इन सिनेप्टिक वेसल्स। ये हमारे सिनेप्टिक वेसल्स, इनमें इनके टर्मिनल लोब पे एक्सन के, ये एक्सन है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक जो है डेंड्राइट होते हैं और एक्सन होता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे ये क्या स्टोर करते हैं, जो हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये हमारे सिनेप्टिक वेसल्स में। ये हमारा सिनेप्टिक वेसल्स, और ये क्या है हमारे ये सिनेप्टिक वेसल्स हैं, ये अंदर इनके अंदर क्या है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड रहता है सिनेप्टिक वेसल्स के अंदर, जो कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे जो एक्सन के टर्मिनल नो पर। द अराइवल ऑफ एन इम्पल्स एट द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है? ये हमारी, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जब इम्पल्स पहुंचता है, द अराइवल ऑफ एन इम्पल्स एट द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ट्रिगर्स द ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। जब ये इम्पल्स यहाँ पहुंचता है तो जो आप ये कैल्शियम के जो गेट्स हैं वोल्टेज गेटेड रहते हैं, वोल्टेज हुई आपका जो है ये ओपन होने की वजह से क्या होता है आपका, ये किस वजह से हुआ? चूंकि यहाँ पे इम्पल्स पहुंचा कहाँ पे, इस पे आपका जो आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जैसे ट्रिगर हुआ उसका इम्पल्स का तो ये चैनल खुल जाते हैं। चैनल खुलने से क्या है कैल्शियम आयन अंदर आ जाएंगे। द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन स्टिमुलेट्स द फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसल्स। और इसकी वजह से क्या है सिनेप्टिक वेसल्स का फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होने से क्या है आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसे रिलीज हो जाते हैं। द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन स्टिमुलेट्स द फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसल्स विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ इसका फ्यूजन हो जाता है, यहाँ मेम्ब्रेन पे आए और न्यूरो ट्रांसमीटर आपके यहाँ रिलीज हो जाएंगे। रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इन टू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो जैसे ही आपका ये इम्पल्स यहाँ पहुंचा, कैल्शियम के जो गेटवे खुल गए, कैल्शियम अंदर आ गया, इसकी वजह से क्या है फ्यूजन हुआ किसका, सिनेप्टिक वेसल्स का, और उसमें से हमारा क्या है न्यूरोट्रांसमीटर हमारा रिलीज हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे। हम देखते हैं कि हार्ट की एक्साइटेबिलिटी में कैल्शियम का क्या रोल है। नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज इंडेड फॉर नॉर्मल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट। हार्ट के नॉर्मल एक्साइटेशन के लिए भी हमारी कैल्शियम आयन की नॉर्मल कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन कॉजेज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स बट द वेंट्रिकल्स आर फेल टू रिलैक्स। यदि हाई कंसेंट्रेशन हो जाती है कैल्शियम आयन की तो जो हमारा ऑरिकल्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है और वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स नहीं कर पाते। कुछ हमने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में रोल इसका आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैल्शियम का हमारा जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में और ब्लड क्लोटिंग में क्या रोल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।